जिम करती हुई सिर्फ एक दिन के लिए पिंकी स्लिम एंड ज्यादा हो जाए खांडो उतर जाए ज्यादा पतली हो जाएगी तो। ये देखिए जो होली फ्लैग्स है ना इस तरह से लहराते हैं सामने से, मैं इधर को आई थी मुझे अच्छे से लगने लगे तो मैंने ये भी शूट कर दिया। तो ये हमारे होली फ्लैग्स रहते हैं, ये हम लोग हर महीने लगाते हैं जैसे कि पता ही है सभी को ना। तो ये देखिए और ये वाला जो होता है बड़ा वाला, ये हम लोसर के बाद लगाते हैं, लोसर के टाइम पे साल में एक बार ये वाला लगता है बड़ा वाला, थारपोजी है बोलते हैं इसको। और जो ये होते हैं होली फ्लैग थारचौक जो होती है हम लोग महीने में एक बार लगाते हैं। तो अब स्टार्ट हो जाएंगे लोसर के बाद फिर से हर महीने लगना ना। तो ये देखिए व्यू। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो दिन के ना 1 बज चुके हैं और मैं निकल पड़ी हूँ दुकान की तरफ, तो लेट हो गई, जल्दी जाना था एक्चुअली। मेरी एक फ्रेंड आएंगी, पता नहीं वो होंगी नहीं होंगी, मैंने कॉल भी नहीं करा तो, मगर मैं फिर भी लेट होती 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 ही गई। तो मैंने शूट भी कुछ नहीं करा, थोड़ा सा मैं ऐसी व्यस्त हो गई थी इधर उधर। तो चलिए चलते शॉप की तरफ और मिलेंगे शॉप पर जाके। थोड़ा सा एक्चुअली पता कि यहाँ पे काम होना था कुछ, तो उनको कारपेंटर्स के लिए रुकी थी मैं, तो वो लोग आए नहीं, सामान उन्होंने यहाँ रखवा दिया, आए नहीं। तो कैसा क्या करना है कैसे करना तो बताना था उनको, तो चलिए कल को बताएंगे। तो चलिए मिलेंगे शॉप पर जाके ना। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो दिन के 3 बज चुके हैं और हमारा लंच ना अभी तक नहीं आया। बाय गॉड, छोटू को भेजा हुआ कब से लंच लेने के लिए। तो मौसम देखिए तो जरा धूप लगी है, पर इतनी ठंड है ना धूप के बावजूद भी, बहुत ही भयंकर ठंड है। हैं क्या है, मोबाइल से लंच मंगा रही हूँ, तो ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो की 04 की मोबाइल से लंच मंगा रहे हो? हाँ मोबाइल से मंगा रही हूँ, वीडियो के थ्रू की लंच अभी तक नहीं आया। और शाहजी भी बिजी है यहाँ पे, तो अभी अभी एक महिला खड़ी थी यहाँ पे जो कि जा चुकी है। तो ये मार्केट का हाल कुछ इस तरह का। तो आज बिल्कुल सुनसान है, एक भी बंदा नहीं है मार्केट में, एक भी कस्टमर नहीं, बंदे तो है बहुत सारे, कस्टमर्स नहीं है मार्केट में बिल्कुल भी, पूरा सुनसान पड़ा हुआ मार्केट ना। तो मैं जैसे कि मैंने आते हुए बताया था ना, टाइम नहीं हुआ कुछ भी शूट करने का, फिर यहाँ पे शॉप पे आके धूप सेकी हमने, मैंने और अमित ने, यहाँ से हम लोग धूप सेकते हुए गए थे, यहाँ से धूप सेकते सेकते हम लोग आगे तक गए थे। फिर हमने अनमोल से मूँगफलियाँ मंगा रखी, तब अनमोल मूँगफली लेके आने वाला है तो हम लोग मूँगफली खाएंगे अभी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चल रहा था थेपली का मैच और हस्बैंड मेरे थेपली खेल रहे थे, तो मैंने जब थोड़ा सा शूट कर लूँ, अभी तक इन्होंने देखा नहीं मुझे शूट करते हुए, अगर देख लेंगे तो फिर खेलना छोड़ देंगे, तो मैं इनको नहीं दिखा रही हूँ अभी, तो मैं दिखा रही हूँ इनको। देखिए अभी थेपली खेलते हैं, ये अच्छी थेपली खेलते थे ये, खेलो खेलो मैं आपको शूट कर रही हूँ। मैं चुपके से बना रही थी मगर इन्होंने मुझे देख लिया, पता नहीं अब क्या होता है। तो इन लगा थेपली दे नहीं रहा इधर को, अब शॉट अपने टाइम के चैंपियन है वो, टीचर है। अरे वाह, देखो सिखाओ सर इनको, सिखाओ लोगो सर थेपली सिखाए इन्हें प्लीज। तो चलिए सर मेरा ना वॉक पे जाने का टाइम हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा वॉक पे निकलती हूँ। गिर मत जाना कहीं, थेपली सिखाते सिखाते खुद मत पलट जाना कहीं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग निकल चुके हैं वॉक पे और 4:15 हो चुके हैं, 4:15 बजे हम निकल रहे। तो आप देख सकते हैं फॉग आ गई अचानक से ना, लेक पूरे पे फॉग छाई हुई है, सामने देखिए काला धुआं दिख रहा है आपको, ये फॉग है पूरा। तो इस तरफ को मैं दिखाती हूँ थोड़ा आगे जाके, यहाँ पेड़ है ना, तो पेड़ के उस तरफ को आप देखो कितनी सारी फॉग आ रही है। तो मैं हूँ ठंडी पे, ठंडी रोड से हम लोग निकल रहे हैं वॉक पे, और सीधे हम लोग उधर से मॉल रोड होते हुए आएंगे वापस, इधर से वापस नहीं आएंगे, तो मॉल रोड होकर हम लोग आएंगे सीधे वापस ना। तो ये देखिए फॉग आप देख रहे हैं लेक पे, काफी खतरनाक वाली फॉग आई है। अभी आगे से दिखाती हूँ मैं जहाँ से लेक पूरा दिखेगा ना, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है पेड़ों की वजह से। तो पेड़ बेचारे सब गंजे हो रखे, सारे पत्ते गिर चुके हैं, कुछ भी पत्ते पेड़ों पे नहीं बचे। तो अभी ये सुनसान सी लगती है ठंडी सड़क, बिल्कुल ठंडी सड़क के कोई सी भी जगह होती है बिना पेड़ों के थोड़ी सुनसान लगती है। भाभी आगे मटक मटक के चलती हुई, तो चले मैं भी चलूँ जरा थोड़ी स्पीड में। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पहुंची हूँ ठंडी सड़क पे, तो यहाँ पे बच्चे लोग ना कुछ गाने वाने गा रहे हैं, तो इनका रिकॉर्ड करने का सोचती हूँ, अगर ये खाना गाना बंद ना करें तो चलिए देखते हैं क्या गाना चल रहा है। मस्त गाना गा रहे हैं यहाँ पे बच्चे लोग है ना, बजाना नहीं आता है, सीख तो रहे हो, सीख रहे हो YouTube से, सीखो YouTube से अच्छा सीखने मिलता है, ठीक है। चलो गाओ कौन सा गाना, तेरा या कोई नहीं, ये गलियां ये चौबारे, अच्छा कहाँ से आए आप लोग, तलीताल से, अच्छा तलीताल से आके यहाँ बैठ गए बजाने, अच्छा अच्छा रे प्यारे, जाए ना क्यों शर्मा रहे हो भाई, वो तो हंसी जा रहे हैं नीचे सर करके। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए पाला ऐसे पड़ा लगा जैसे पानी गिरा रखा हो किसी ने नीचे, बिल्कुल गीला,
तो खतरनाक ही पाला पड़ा हुआ है इसमें, और ठंड हो रही है इतनी भयंकर। ठंडी रोड का तो मतलब ही ठंडी रोड है, पर बीच में पता पाला गिरना बंद हो चुका था ना, तो सही था। आजकल पाला बहुत ही तेज गिरा हुआ है, खतरनाक। तो पीछे बच्चे गाना वाना गा रहे थे, मैंने इनका भी थोड़ा सा शूट करा, तो अच्छा गा रहे थे। तो यहाँ देखिए, आपको मैं फॉग दिखा रही थी ना अभी, ये देखिए विजिबिलिटी जीरो हो गई है फॉग की वजह से, सामने को कुछ नहीं नजर आ रहा है। ऊपर ऊपर को धूप लगी हुई है बहुत बढ़िया वाली। तो चले इस तरह का मैं बनाती हुई जा रही हूँ अभी आगे को, तो फॉग ही फॉग है, पता नहीं कहाँ से आई है ये फॉग इतनी ज़्यादा, और ठंड लेके आई है काफ़ी सारी। तो चलिए आगे को निकलें थोड़ा। तो देखिए लोग ना बोटिंग कर रहे हैं ऐसे, देखिए दो बोट से साथ में बिल्कुल जा रही हैं चिपकते हुए इस तरह से कोहरे के बीच बोट्स। तो फ्रेंड्स हम लोग देखिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं काफी दर, क्या बोलते हैं इसको, पाषाण देवी से इधर को ना, तो पीछे देख लीजिए आप, कोहरा देख सकते हैं हमारे पीछे कितना ज्यादा कोहरा लगा हुआ है। तो भाभी बताएं कुछ क्या कहना चाहिए, कौओं को खिलाया आपने आज? कौओं को बहुत खिलाया, आज बहुत ठंडा है। कौवे आए थे? कौवे आए थे बहुत सारे। अच्छा, तो बहुत ही ठंडा हो रहा है, बहुत ही खतरनाक। भूते खिलाए, भूते खिलाए इन्होंने कौओं को, हमको नहीं खिलाए, हम भी तो कौओं की तरह बैठे हुए, भूते खिलाए ना मम्मी, मैंने खिलाए। तो देखिए ठंडा हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आज बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तो हम दोनों ना वॉक पे निकलते हैं रोज ही, तो आज भी निकले तो इस तरह से पूरा लेक कवर करके जाएंगे कल की तरह ना। तो चलिए अब मिलेंगे शॉप पर जाके, बाकी मैं देखूंगी अभी कितनी कर वीडियो बनी है मेरी, अगर पूरी होगी तो शॉप पे मिलेंगे, नहीं होगी तो फिर आगे उधर मॉल रोड पे जाके मिलेंगे। बहुत ज्यादा लंबी बन जाती है अदरवाइज वीडियो ना। तो चलिए कितने मिनट वॉक है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं तल्ली ताल, देखिए तल्ली ताल से मैं आ गई हूँ इधर को मॉल रोड की तरफ ना। तो मैं यहाँ से मैं दिखाना जा रही थी आप लोगों को कोहरे की स्थिति कुछ इस तरह से। ये बोट स्टैंड पे हूँ मैं, जहाँ पे मैंने पिछला ब्लॉग भी मैं यहाँ से शूट करी थी। तो देखिए यहाँ पे बोट स्टैंड पे उसका मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो कोहरे का आलम आप देख सकते हैं बिल्कुल। मल्लीताल गायब हो गया, मल्लीताल दिखने लगा कोहरे की वजह से, खतरनाक कोहरा लगा हुआ है यहाँ पे, भयंकर वाला कोहरा लगा हुआ है। तो कोहरे में है नैनीताल, आज का मेरा टाइटल यही रहेगा शायद, कोहरे की आगोश में नैनीताल रहेगा आज का मेरा टाइटल। और ये देखिए तो लोग ठंड में सिकुड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, भयंकर ठंड हो रही है। और मेरे साथ जो महिला थी वो चली गई है काफ़ी आगे, तो मैं धीरे धीरे चल रही हूँ क्योंकि ब्लॉगिंग करते हुए हम लोग दौड़ के नहीं चल सकते ना, इतनी बुरी तरह से फ़ोन हिलता है। तो इस तरह से है हाल, कुछ कोहरे का मस्त कोहरा लगा हुआ यार, पता नहीं कहाँ से लगा इतने दिनों के बाद ना, बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आगे को। ये देखिए यहाँ पे ना मछलियाँ हैं, पार्क के अंदर आए थे हम दोनों, बड़ी सुंदर सुंदर सी मछली है, प्यारी प्यारी खूबसूरत सी। और यहाँ पे सारी ये बोट्स हैं, ड्रैगन बोट्स और डक वाली बोट्स, तो यहीं पे लगे हुए सबके सब। ये अलग सी दिख रही है ग्रे कलर की मछली। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे ओपन जिम में, जहाँ पे ये ओपन जिम है। तो यहाँ पे यूजुअली कोई मिलता नहीं है मुझे जिम करते हुए, तो ये बच्चे तो बच्चे तो मतलब खेलने के पर्पज से करते हैं ऐसे ना, होता नहीं उनका कि जिमिंग करें या कुछ भी। उस दिन हमने उस पे करते हुए वाला जो है, जो बैठने वाला जो उधर से, उसी पे कर सकती हूँ मैं, तो और तो किसी पे भी नहीं कर सकती। तो भाभी मेरा ब्लॉग बना रही है, मैं जिम करने वाली हूँ अभी। हाँ ऐसे घूमो, ऐसे ऐसे ये देखो पिंकी जिम करती हुई सिर्फ एक दिन के लिए पिंकी स्लिम इन ज्यादा हो जाए, खांडो उतर जा, ज्यादा पतली हो जाएगी। तो पहचान लेना मुझे प्लीज, नहीं हूँ अगर मैं दुबली दिखूँ तो पहचान लेना कि मैं ही हूँ वो। बड़े मजे का आई है, तुम करो ऑफर वो अभी, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं नहीं खा, मैं ना मेरा कमर पतली, भगवान ने बहुत पतली कमर दे रखी। मैं नहीं करे करो यार भाभी, तो मजा आ रहा झूला झूलने में, थकने भी नहीं वाली, इसको तो मैं रोज करा करूंगी, रोज आएंगे ना। बोलो हाँ इधर, हाँ ये क्या, ये क्यों टूट गया, ये थोड़ी टूटेगा आपके पेट से, आप हाथ ही कर दे रही हूँ, नहीं टूटेगा। और जोर से, और जोर से देखो कितना अच्छा हो रहा है इसमें, है ना अच्छा ना। तो भाभी को पहचान लेना, कमर पतली दिखे ना। कमर पतली होने वाली है इसमें, तो बड़ा मजे का है यार ये वाला। हाँ जी वही तो, इसमें कमर पतली नहीं, बैठ के बैठ जाओ, बैठो बैठो आप, बैठो ना आप, करो ना, अरे बैठो रुको, छोड़ो उसको, छोड़ो बैठो बैठो। ओ ब्रे मैं तो कहीं भी ना जाऊं, एक्सरसाइज करवाएंगे आज आपको हम, चलो बैठो
ये देखो फिर इसको पकड़ो, इसमें पकड़ो यहाँ, इसको पकड़ो ना, हाँ इसको पकड़ो, रोज करना ना फिर आप, ये देखो उठाओ उठाओ खुद को उठाओ। ये तो मैंने ये 10 बार किया भाभी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाभी, 11 भाभी, 11 बार करें। आज हम पतले होके जाने वाले यहाँ से, ये वाला थोड़ा मुश्किल, ये वाला मैं नहीं कर रही हूँ, और ये वाला पता नहीं इससे क्या होता है वो। अच्छा हाथों की एक्सरसाइज के लिए ना, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जिमिंग भी हो गई है, तो जिमिंग करके हम यहाँ से जा रहे हैं वापस। तो फ्रेंड्स अभी तक हम थे लोअर मॉल रोड पे, अब हम आ गए हैं अपर मॉल रोड पे। तो ये देखिए यहाँ पे लोअर मॉल रोड और अपर मॉल रोड दोनों साथ साथ, तो लोअर से अपर मॉल रोड पे आ गए। और यहाँ पे पता क्या, लेंस कार्ड जो है ना उसका क्या कहते हैं, चश्मों की जो शॉप है, यहाँ पे लेंस कार्ड का भी खुल चुका है अभी। तो यहाँ पे अच्छे चश्मे मिल सकते हैं आपको, जिसको भी चश्मा लेना हो तो यहाँ बनवा सकता है लेंस कार्ड में। पहले नैनीताल में नहीं था लेंस कार्ड, अभी अभी खुला हुआ है, तो मैंने कल ही देखा है, कल जब मैं आई थी। और यहाँ पे है फास्ट फूड्स, तो चलिए मैं चलती हूँ आगे, वो गाड़ियाँ चल रही है एक्चुअली मॉल रोड पे ना, तो इस तरह का है अपर मॉल रोड पे, तो क्राउड नहीं है, मतलब ऑफ सीजन, सीजन में चलते हैं यहाँ पे तो जगह नहीं होती चलने की, मतलब धक्का मुक्की इतनी भीड़ होती है। तो आजकल ऑफ सीजन चल रहा है, तो ऑफ सीजन में तो बिल्कुल ही रश नहीं है, खाली वो भी लोकल ही होंगे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा, तो जैसे हम जैसे वॉक वूक पे जो निकले हुए लोग होते हैं ना, तो वही लोग रहे होंगे अभी समय। तो देखिए यहाँ पे अच्छा लग रहा है मॉल रोड, और मैं हूँ इस समय बिल्कुल टिब ईट के नीचे, टिब ईट करके यहाँ पे एक टिबेटन रेस्टोरेंट है, जिसका कि मैंने सुना खाना बहुत टेस्टी है। मैं नहीं गई हूँ एक बार, मैं कब से कितने ब्लॉग्स में बोल चुकी कि मैं नहीं गई हुई, तो यहाँ पे है टिब ईट। एक्चुअली जब भी हम यहाँ से गुजरते यहाँ पे, जहाँ पे पहले ओल्ड सीसीडी था ना, तो सीसीडी की जगह पे अब टिब ईट खुला हुआ है, ये है टिब ईट, टिबेटन रेस्टोरेंट है ये, तो खाना बड़ा टेस्टी मिलता है यहाँ पे, और अंदर बैठने बैठने की भी अच्छी जगह। हम लोग ओपनिंग जब हुई थी ना, ओपनिंग में मैं गई थी, तो मेरा ब्लॉग बना हुआ भी है टिब ईट की ओपनिंग का, तो हाउस ऑफ कैंडी है इसके नीचे ना। तो यहाँ पे खाना जो भी जाए अच्छा है, और खासकर यंगस्टर जैसे बच्चे जिनको टाइम स्पेंड करना होता, तो मेरी डॉटर आई थी तो वो भी गई थी अभी, तो बच्चे लोग यहाँ पे जाते, तो बेटा भी जाता है, मेरी बेटी जाती, तो यहाँ पे इनका मेन्यू सामने है देखिए यहाँ पे ना, तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे टिबेटन, कोरियन एंड चाइनीज़ क्विजींस है, थाई भी साथ में, तो ये सारी चीज़ें आपको इस रेस्टोरेंट में मिल जाएगी, जो भी चाइनीज़ थाई कोरियन ये सब खाना चाहता है टिबेटन, तो जिनको भी ये सब खाना, तो उनको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे, तो जो भी आए टिब ईट में ज़रूर आए। तो फ्रेंड्स हम दोनों ना अपर मॉल रोड पे वॉक करते करते यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो सोच रही हूँ आज का जो वीडियो यहीं पे एंड कर लेते हैं, फिर यार एंड होता नहीं, बाद में एंड करने का मौका मिलता नहीं, तो बताइए मैडम करते हैं एंड, तो कल को मिलेंगे नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज जरूर 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 कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके बाय बाय, मिलेंगे कल को नए ब्लॉग में।